बॉलीवुड में अगर कोई स्कैंडल ना हो तो लगता है बॉलीवुड वालों को नींद नहीं आती, या उनको यूं कहिए कि उनको खाना ही नहीं हजम होता। पिछले सप्ताह करण जौहर ने अपनी वेब रियलिटी शो द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसकी स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी। अब फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने उन पर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने वेब शो के लिए उनकी फिल्म का टाइटल हड़पा है। हुआ यूं कि मधुर भंडारकर ने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा है, प्रिय करण जौहर, आपने और अपूर्व मेहता मुझसे बॉलीवुड वाइफ्स के टाइटल की मांग की थी, जिससे मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। यह नैतिक और सिद्धांतिक रूप से गलत है कि आपने इसे द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स करके इस्तेमाल कर लिया। प्लीज़ मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद न करें। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अपना टाइटल बदल दीजिए। सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करने के साथ साथ मधुर भंडारकर ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA में भी धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। IMPPA का कहना है कि उन्होंने करण जौहर को वेब शो के टाइटल जारी नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो एसोसिएशन ने इस संदर्भ में धर्मा प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स को लेटर लिखकर टाइटल बदलने के लिए कहा है। मामले में करण जौहर या अपूर्व मेहता की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। उनके वेब शो की बात करें तो इसमें बॉलीवुड के फेमस पत्नियों के बारे में बताया जाएगा कि वे जिंदगी कैसे जीती हैं।